भारत देश एक ऐसा दौर भी लंगे है जब चारों पासे सूफी कलाम दी सूफी विचारां दी अगम्मी बारिश हो रही सी। उसी दौर देश हजरत निजामुद्दीन शेख मयूद्दीन चिश्ती बाबा फरीद शकरगंज और इस तरह दे होर अनेक औलिया पीर फकीर पैदा हो। सूफी सांझे ख्यालां दे मालक ने और फराख दिल ने। जिस किसी पासों भी रोशनी मिल जाए उन्होंने हर दीवा परवान सी और वो हर दीवे दी परिक्रमा करन विच राजी सन। बाबा फरीद इस तरह दे ही सूफी फकीरां दे चों एक फराख दिल रोशन दिमाग और अगां वधू विचारां दे मालक सन। आप दा जन्म पिंड खत्तोवाल जिला मुल्तान विच होया। आप दी माता दा नाम मरियम सी और पिता शेख जमाल सुलेमान। मां बाप तो ते पूर्वले बने संस्कारां दे मुताबक आप छोटी उम्र विच ही अल्लाह दे प्यार वाले सन और अल्लाह दे प्यार दे गीत हर वक्त गांदे रहिंदे सन। जिथे इस्लाम विच संगीत नूं ममानियत है उत्थे सूफी फकीर गा गा के ही अल्लाह नूं रिझांदे रहे अल्लाह नूं प्राप्त करदे रहे। सूफी किसे हद तक इस्लाम और वैदिक धर्म यहूदी धर्म ईसाइयत इस सब कुछ का एक मिश्रण ही समझ लो। स्वयं सरमद सूफी फकीर दे कलाम तो पता चलता है। वो कहंदे ने सरमद बकू च इश्क बदनाम शोदी। शेख सरमद दा ऐसा कहना जिस दी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई है जो दिल्ली दी गलियां विच नगन घूमदा सी और अठे पैर अल्लाह दी बंदगी विच मस्त रहंदा सी। उसदा ऐसा कहना कि सरमद बकू च इश्क बदनाम शोदी भई मैं खुदाई प्यार दी गली विचो लंघ के बदनाम हो गया। लोकी लाछन नाल लग पए ने। ऐसा देखा गया है कि प्यार विच भिजिया होया हिरदा इतना मासूम हो जांदा है इतना भोला हो जांदा है कि लोकी उसनू पागल तक भी कहन लग पैंदे ने। दुनिया दे बड़े श्रेष्ठ संत जना नू संसार ने पागल आख्या। जैसे कबीर कहंदे ने लोग कहें कबीर बौराना कबीर का मरम राम ही जाना। लोकी कहंदे ने कबीर बौरा है पागल है। ते जे कबीर पागल है तो फिर एक गल तस्लीम करनी पएगी जगत विच कोई भी सेना नहीं। हू बहु ऐसा ही सूफी फकीर सरमद कहंदे ने। सरमद बकू च इश्क बदनाम शुदी अज दीने यहूद सुए बा इस्लाम शुदी। भी हैगा ते मैं यहूदी लेकिन सूफी फकीरां दी संगत ने इस्लाम कबूल करन ते मजबूर कर देता है। मालूम न शुद्ध ऐ खुदावंद अहमद बरगश्ता बसुए लक्ष्मणो राम शुदी। कहिंदा है इन्हां दी महफिल विच गीत गांदियां गांदियां भी जद मैनू कुछ सूझ ना मिली ते मैं उत्थे भी जा बैठा जिथे लक्ष्मण ते राम दे गीत गाए जांदे ने। इत्थों सरमद दा ऐसा कहना साबित हो रहा है कि मैं सांझे ख्यालां दा मालक हां। हर थां ते बैठदा हर थां ते प्रभु दी रोशनी जिथों भी मैनू मिले मैं प्राप्त करन नूं तैयार हां धारण करन नूं तैयार हां। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਆਪ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और पीढ़ी दर पीढ़ी रहन करके आपकी भाषा ठेठ पंजाबी हो गई और आपकी तमाम बाणी लेंदी पंजाबी दे छे। पक्का डेरा अपने पाकपटन जिला मुल्तान विच ही बनाया। आप दे विचारां विच आप दे कलाम विच बैराग बिरह ज्ञान भक्ति रस भरपूर रूप विच भरिया होया है। जद साधना दे दौर विचों आप लंघे ने तो उस पीड़ा का भी आपने जिक्र किया है। जैसे
प्रसूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी स्त्री मां नहीं बन सकती। अध्यात्मक पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी पुरुष भगत नहीं बन सकता, फकीर नहीं बन सकता। जिस स्त्री ने अपनी गोद में एक खूबसूरत बालक देखना है, प्रसूत दी पीड़ा झेलनी ही पाएगी। जिस मनुख ने अध्यात्मक आनंद मानना है, उन्हें बिरहे दी पीड़ा विचों लंघना ही पाएगा। और इस पीड़ा का भगत जना ने खास जिक्र किया है, और बाबे फरीद ने अपने कलाम विच इसनु खास थां दित्ती है। फरीद कहंदे ने, चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावन ले, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे देख। हे प्रभु, चिंता दी खटिया है, चिंत खटोला जो दुख दे वाण नाल बुनी हुई है, जेदे ते मैं बिरहे दी तुलाई विछाई हुई है, ऐसी खटिया ते मैं दिन रात पे हां, हे अल्लाह ए मेरा जीवना है, हे खुदा ए मेरा जीवना है, हे साहिब सच्चे तू मेरे इस रुदन नु वेख, मेरी इस पीड़ा नु वेख और मैनु मिल। दिन रात दी प्रतीक्षा, दिन रात दा भजन, दिन रात दी इबादत ने आपनु संसार तो ते खास करके खान पीण तो भी बेमुख कर दिता। आप खान पीण दे च भी कोई खास रुचि नहीं रखते सन, और वाकई बिरहे कुठिया नु भुख किथे ते प्यास किथे। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, हर बिन नींद भूख कौ कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। बाबा फरीद कहंदे ने, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। मुल्तानी भाषा विच लावण दा मतलब है सब्जी, और अज भी उत्थे यही शब्द प्रयोग होंदा है, बे लावण की बनाया है, भाव सब्जी की बनाई है, सालन की बनाया है। तो बाबा फरीद कहने, सब्जी मेरी की है, लावण की है भुख। जद मैं तेज भुख लगती है, मैं उदो ही खाना, ते स्वाद भुख दे च है। बाबे फरीद का यह कहना भोजन दे च नहीं है, भुख दे च है। गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा मनते ने, रुपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड। भुख दा ते स्वाद दा आपस दे च मेल है, आपस दे च गंड है। तो बाबा फरीद कहते हैं, भावें काठ वर्गियां सुखियां रोटियां जो मेरे डेरे विच आउंदियां ने, ते जद मैनू भुख लगती है ते मैं खाना, मैनू स्वादी लगदियां ने, और इस ढंग नाल मैं अपनी उदर पूर्ति करदा। फरीदा, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। भुख है नहीं ते चोपड़ी खा रहे ने, भुख है नहीं ते तरह तरह के पदार्थ खा रहे ने। बाबा फरीद कहते ने, भुख तो बिना जो खाना है ये रोगां नू जन्म देना है। भुख है नहीं ते जिहड़ी एक एक बुरकी शरीर के अंदर जा रही है, इन्हें शरीर नू ताकत नहीं देनी, शरीर नू रोग देने ने, इन्हें शरीर नू तवानाई नहीं देनी, शरीर नू बीमारियां देनियां ने। और बाबे फरीद का यह बोल अजोके विज्ञान से स्पष्ट रूप से पूर्ण उतरता है। आपका शरीर सहजे सहजे सुकदा गया, हड्डियां दे ढांचे ही आप रह गए। दिन रात बिरहे दी अगन ने और भोजन दी कमी ने, दिन रात दी साधना ने आपके शरीर दी जो हालत बनाई, वो आप अपने कलाम विच इंज बयान करदे ने। फरीदा, तन सुक्का पिंजर थिया, तलिया खूंडे काग, अजहे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे दे भाग। आप कहते ने कि मैं सुख के पिंजर हो गया, ते हुण हालात ए ने कि उड़दियां होईयां इल्लां ते उड़दे होए कौवे मैनू मुर्दा समझ लैंदे ने, और ठूंगा मारन दी भी कोशिश करदे ने। बाबे फरीद ने अगले श्लोक विच कौवियां नू मुखातिब करके ऐसा आख्या, कागा करग डंडोलिया, सगला खायो मास, ए दोए नैना मत छोयो, फिर देखन की आस। कौवियां ने जद ठूंगा मारियां मुर्दा जान के, ते बाबे फरीद ने उन्हां नू रोकिया नहीं। शरीर दी थोड़ी जिहा हरकत वेख के कौवे एक पासे होए, ते कौवियां नू संबोधन करदे कहंदे ने,
भावे मेरे पिंजर का सारा मास खा लो लेकिन मेरी अखियां नू ना खाना मेरी अखियां दे ठूंगा ना मारना क्योंकि अजे ते मैं खुदा नू वेखना है ऐसा ना होवे कि बिना वेखे ही तुसी मैनू अंधा कर दियो अजे मैं अपने प्यारे नू वेखना है तुसी सब खा जाओ लेकिन मेरी अखियां रहन देना मेरे नेत्र रहन देना बिरहे दी अगन आप दे अंदर कितनी ज्यादा है आप ऐसा कहंदे ने कि फरीदा तन तपे तनूर जाऊं बालन हड बलन सूफी फकीरां दे अमर कलाम विचों बाबा फरीद दा कलाम सिरमौर है जिस दे च बिरहे दी अगन प्रधान है और यह हकीकत है कि बिरहे दी पीड़ा विचों जो लंगे ने मिलाप दा आनंद भी उन्होंने माणिया भुख दी पीड़ा विचों जड़े लंगे ने भोजन दा स्वाद भी उन्होंने माणिया भुख ही नहीं ते स्वाद की बिरहा ही नहीं ते मिलाप दा रस की कितना प्रबल बिरहा है आप कहने तन इंज तपया पे है जिवें तनूर और उस देच मेरिया हड्डियां बालन रूप देच बल रही ने फरीदा तन तपे तनूर जाऊं बालन हड बलन पैरी थका सिर जुड़ा जेमो पिरी मिलन पैरा नाल चलदिया चलदिया जब मैं थक जावा ते ऐ खुदा मैं सिर दे भार भी चलन नू तैयार हाँ बशर्ते तू मिले तेरा मिलाप होवे मैं ते सिर दे भार भी तेनू टोलन नू तैयार हाँ मैं ते उल्टा लटक के भी तेनू लभण दी कोशिश कर सकदा शर्त ए है कि तेरा मिलाप होवे तेरा दीदार होवे बहुत कठिन प्रतीक्षा तो आप लंघ रहे ने ते इस श्लोक तो किधरे ऐसा भाव कोई ना ले लवे कि वाकई जमीन देते चलन गर्दिश दे नाल ही परमात्मा लगदा है खुदा लगदा है तो बाबे फरीद दे इस श्लोक दे थल्ले ही गुरु अमरदास जी महाराज दा श्लोक है सतगुरु कहंदे ने फरीदा तन न तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िए अंतर पिरी निहाल सिर दे भार चलन दी लोड़ नहीं ते पैरां नाल जमीन नापण दी लोड़ नहीं फरीद थोड़ा जिहा अंदर झाती मारीए ते खुदा दे दीदार अंदरों ही हो जांदे ने दरअसल ज्ञान ते ऐसा फरीद कोल है पर जिस दौर विचों लंघ रहे ने वो बिरहे दा दौर है वो बिरहे दी अवस्था है लेकिन बिरही गीत इस बिरही बाणी नूं कोई पढ़ के मुगालते विच ना पै जाए उस मुगालते नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने दूर कीता है उंज शेख फरीद दे कलाम विच कोई मुगालता नहीं आप अगां चल के कहंदे ने फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबल री पैरे फरीदा जेही वेसी सौ मिले सेई वेस करियो ऐ खुदा ये जो मैं तन देते कीमती बस्तर पहने ने रेशमी बस्तर पहने ने ये मैं फाड़ देना ये मैं परे सुट देना और मैं कमली पहन लेना सूफ उन्होंने कहंदे ने ते उन दा बने होया चोला काली उन दा बने होया चोला ये फकीर लोग धारण करदे सन लिहाजा इन्हां दा नां ही सूफी फकीर पै गया हिंदुस्तान विच सैकड़े दी तादाद विच सूफी फकीरां दे अज मकबरे ने ते चारों पासे उन्हां दे अमर कलाम गूंजदे पए ने अज भी उर्दू दी शायरी नूं ते कवाली संगीत नूं अमीर खुसरो ने जन्म दिता है जो वाकई सूफिया दी श्रेणी दे चों इक सिरमौर सूफी होए ने उंज सूफ दा मतलब है उन जो सर्दी गर्मी उन दा ही चोला मोटा जिहा धारण करी फिरदे सन इस तरह दे फकीरां नूं देख के लोकी कहंदे सन ए सूफी ने सूफिया दी तर्जे जिंदगी की सी गा के अल्लाह नूं रिझाणा नच के अल्लाह नूं रिझाणा इबादत उच्ची उच्ची धुन नाल करनी उच्ची उच्ची आवाज नाल करनी तो बाबा फरीद भी उसी श्रेणी दे चुने आप कहंदे ने पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पैरियो ए रेशमी कपड़े मैं फाड़ देना और मैं उन दी कमली धारण कर लेना जे ही वेसी सौ मिले से वेस करियो ऐ खुदा तू जिस वेस दिच मैनू मिले हैं मैं उस वेश नु धारण कर लेना मैं वो लिबास धारण कर लेना इस तो भी एक बुलेखा पै सकदा सी कि वाकई खुदा किसी लिबास दे च मिलदा है वाकई खुदा किसी विशेष तौर दे
कपड़िया विच ते विशेष रंग दे कपड़िया दे राही मिलदा है। दरअसल ए भाव फरीद दा नहीं पर तड़पया होया हिरदा फरीद दा ऐसा कह रहा है कि खुदा तो किवें मिलेगा, तो किस तरह मिलेगा। उन्हां दे सलोक तो मुगालता ना पवे तो इहदे थले साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का सलोक है। आप कहिंदे ने फरीला काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे, ए फरीद क्यों तू ए कीमती बस्तर ए रेशमी चोला फाड़दा है, क्यों तू इस दी थां ते सूफ दी कमली धारण करदा है। फरीदा काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे, नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करे। नीयत ठीक होवे ते हर थां ते खुदा है, घर बैठिया भी रब मिल जांदा है। भटकण दी लोड़ ही नहीं, धक्के खाण दी लोड़ ही नहीं। परमात्मा लिबास नूं नहीं वेखदा, नीयत नूं वेखदा है। गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक दे राहीं ऐसा कह रहे हैं। परमात्मा रूप नूं नहीं वेखदा, शरीर नूं नहीं वेखदा, जमीर नूं वेखदा है। परमात्मा सूरत नूं नहीं वेखदा, सीरत नूं वेखदा है। परमात्मा शिंगार नूं नहीं वेखदा, नीयत नूं वेखदा है। इसकी नीयत की है, इसकी अंतर सोचने की है। हो सकता है बाहरों बंदा दानी प्रगट होवे पर उसकी नीयत विच बेईमानी होवे, बाहरों वह ज्ञानी प्रगट होवे पर उसकी नीयत विच कपट होवे, छल होवे। जैसे कि कबीर स्वयं कहते हैं कि हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोवस पानी। हिरदे विच कपट रख के भी ज्ञान की गल की जा सकती है, हिरदे विच धोखा रख के भी प्रेम की चर्चा की जा सकती है, हिरदे विच अंधकार रख के भी प्रकाश की गल की जा सकती है, पदार्थ की खिच अपने हिरदे विच रख के परमात्मा की गल की जा सकती है। और ऐसियां गल्लां संसार विच बकायदा रूप विच हो रही ने। किधरे फरीद दे सलोक तो भी यह मुगालता ना पै जाए कि रब वाकई किसी शिंगार विच मिलता है, किसी लिबास विच मिलता है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे नहीं, वह तो जब नीयत रास करिए तो मिल पैंदा है, जब नीयत नूं ठीक करिए तो वह गलवकड़ी विच बकायदा लै लैंदा है। नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करे। दिन रात इस ढंग की भजन ते बंदगी विच लीन ने। और यह गल स्पष्ट है कि इस पासे आप नूं प्रेरिया आप दी मां ने। जैसे ध्रुव नूं भगती मार्ग ते तोरिया उसकी मां ने है, गोपी चंद नूं भी उसकी मां ने प्रभु मार्ग ते तोरिया, बाबे फरीद नूं भी मां ने ही तोरिया। ते बकायदा फरीद ते अपनी बाणी च कहिंदे ने तिन धन जने दी माओ आए सफल से। कहिंदे ने बाबा फरीद जब 8 साल दे सन बच्चियां नाल खेडदे खेडदे थके हारे शाम नूं जद घर आए ते मां ने कहा पुत्रा कदी अल्लाह नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर, हर वक्त खेडदा ही रहना, हर वक्त खेडां च लीन रहना, बंदगी भी कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर, तस्बीह भी फेर लिया कर, कदी बैठ के कुरान की तलावत भी कर लिया कर। मासूम बालक ने भोले भाव च कहा मां खुदा की देवेगा, मैं नमाज पढ़ा, मैं तस्बीह फेरा, मैं ऐसी मेहनत करा, बदले विच मैनू प्राप्त की होवेगा। बच्चा लेण दी भाषा जानदा है, देण दी नहीं। एक मासूम बच्चा खिडौने नाल खेड रहा होवे ते उन्हूं कह दो यह खिडौना जरा थोड़ी देर लई दूजे बच्चे नूं दे दो, नहीं देगा, वह अजे लेना ही जानदा है, देना नहीं। उहदे कोल खिडौने चार भी आउणगे तां वी एक खिडौना दूजे नूं देण नूं तैयार नहीं। टुट जाए यह गल वखरी है पर देण नूं उस वक्त तैयार नहीं, क्योंकि देण दी है यह जिहड़ी रुचियां ने अजे उस दे अंदर उजागर नहीं होईआं। जिस मनुख दी जवानी अवस्था विच वी ते बुढ़ेपे काल विच वी देण दीआं रुचियां ना पैदा होण उस नूं धार्मिक दुनिया च कह दिंदे ने बच्चा ही है और कुछ नहीं। तो बाबा फरीद बच्चे ने आप मां नूं कहिंदे खुदा देवेगा कि मैं उठक बैठक करा, मैं नमाज पढ़ा, मैं तस्बीह फेरा, बदले विच की मिलेगा। मां ने भोले भाज कह दिता खुदा शक्कर देवेगा, खुदा गुड़ देवेगा। बच्चे का सुभा
मिठे नाल रुचियां त्रिपत होंदियां ने। रुचियां विच मिठा समाया होंदा है तो बच्चा शक्कर दी गल सुन के गुड़ दी गल सुन के खुश हो गया है। कहिंदा मां तू मैनू सिखा, मैं जरूर नमाज पढ़ांगा, जरूर तस्बीह फेरांगा। तो नमाज दी शिक्षा फरीद नू मां तो मिली है। तस्बीह फेरन दी जाच फरीद ने मां तो सीखी है। रोज फरीद मुसल्ला विछा के नमाज पढ़दे ने ते जदों अखां मीट के वह नमाज पढ़दे ने ते मुसल्ले दे थल्ले मां शक्कर दी पुड़ी रख देंदी है, कदी गुड़ दियां रोड़ियां रख देंदी है। नमाज पढ़न तो बाद जैसे फरीद मुसल्ला समेटदा है थल्ले उसनू शक्कर मिल जांदी है, गुड़ मिल जांदा है। खुश हो जांदे ने फरीद ते कहिंदे खुदा ते सौदा नकद ही करदा है, इधर करो इधर मिल जांदा है। रोज हुण नमाज पढ़दे ने ते रोज आप नू खाण लई गुड़ ते शक्कर मिल जांदा है, बड़े प्रसन्न। अज जद नमाज पढ़न लगे वकत हो गया सी, वेल हो गई नमाज दी, ते मां दी रुचियां च वी ये गल ना रही कि थल्ले शक्कर रखनी है ते मां पानी भरन चली गई। इधर खुदा दी दुनिया भी रहमत दे घर विच आई, बख्शिश दे घर विच आई। मासूम बालक अज नमाज विच लीन हो गया, जिन्हों समाधि लीन कहिंदे ने। मासूम बालक नू अज नमाज विच ही रस आ गया। मासूम बालक अज नमाज विच ऐसा लीन होया जैसे कोई बूंद सागर विच लीन हो जाती है और सागर दा रूप हो जाती है। इस तरह खुदा दी परम झलक फरीद ने बचपन काल विच वेखी। नमाज संपूर्ण हुई, मुसल्ला समेटे है, पर अज मुसल्ले दे थल्ले ना शक्कर सी ते ना ही शक्कर नू चुकन दा ख्याल बाबे फरीद नू आया। क्यों? अज शक्कर तो कोई वध मिठास मूंह दे च पै गई। अज दुनिया दी सारी मिठास नालों कोई वध मिठास ने अंदोलित कर दिता है ते रस भरपूर कर दिता है, आनंदमई जिंदगी बना दिती। रोम रोम मानो शक्कर नाल भरे हुए बैठे ने ते सोचते ने मां ने इस फोकी थोती शक्कर दा लालच देके मैनू रब दे मार्ग ते तोरिया, ते इत मैनू अज पता चलिया रब आप एक महान शक्कर है। शक्कर दा खजाना है, उत मिठास दा खजाना है। और आप बार बार कहा करदे सन ईश्वर अकाल पुरख ओ रब शक्कर दा खजाना है। गंज कहिंदे ने खजाने नू, चूंकि आप दी जबान चो ए शब्द बहुत निकलदे सन लिहाजा समस्त भारत विच आप दा नाम ऐसे पै गया बाबा फरीद शक्कर गंज। शक्कर गंज आप दे नाम दे नाल तखल्लुस दे रूप विच जुड़ गया, उपनाम दे नाल जुड़ गया। और अज भी जिला मुल्तान दे आले दुआले लोकी शक्कर गंज करके उन्हां दी उपमा करदे ने, फरीद शक्कर गंज। भई किस दे मजार ते जा रहे हो? शक्कर गंज दे मजार ते जा रहे हैं। किस दे दीदार लई जा रहे हो? शक्कर गंज दे दीदार लई जा रहे हैं। जो शक्कर दा खजाना है खुदा अकाल पुरख, इस तरीके दी उपमा दे च लीन होए बाबा फरीद। मां जद पानी भर के घर आई ते की देखदी है? अज मासूम फरीद दा चेहरा बदले होया, अज अखां दे च कोई सुरूर है, अज चेहरा कुछ होर है ते अखां तर वी ने। सोचदी है अज मैं शक्कर रखना भुल गई हां ते फरीद नू अज शक्कर नहीं मिली। हुण ऐसा ना होवे कि शायद कल तो नमाज ना पढ़े। तो अंदरों एकदम लड्डू ले आई, शक्कर ले आई, नाल थोड़ा जिहा शहद भी ले आई ते बाबे फरीद नू आके कहिंदी है बई ऐ मेरे बच्चे मासूम बालक, ये खुदा सारियां चीजां अज मैनू दे गया सी। हमेशा मुसल्ले दे थल्ले रख देंदा सी ना खुदा, अज मैनू दे गया ते आखिया फरीद नू दे दई। ते बाबा फरीद मुस्कुरा के कहन लगे मां वाकई अज खुदा तो मैनू ही दे गया, तैनू नहीं दे गया। अज खुदा ने मैनू ही दिता है, अज खुदा ने रस मैनू ही दिता है। हुण तैनू परचाण दी लोड़ नहीं, खुदा ने स्वयं मैनू परचा लिया है। हुण तैनू इस मार्ग ते तोरन दी लोड़ नहीं, खुदा ने खुद ही मैनू अपने मार्ग ते तोर लिया है। हुण तैनू शक्कर दा लालच देण दी लोड़ नहीं, खुदा ने बहुत वड्डी मिठास
मेरे अंतर आत्मा दिच पा दिती है फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो मांजा दुध फरीदा सबे वस्तु मिठियां रब न पुजन तुद ऐ मां पावे सब कुछ मिठा है शैब है दुध है गुड़ है शक्कर है पर जेड़ी मिठास अज मैनू मिली है वो इस सब कुछ दे च नहीं है और सिद्धि मैनू खुदा तो प्राप्त हुई है ईश्वर तो प्राप्त हुई है मां हुण तैनू रोज रोज शक्कर रखण दी लोड़ नहीं ऐसी शक्कर खुदा ने मैनू एक दफा ही दे दिती है जिस दी मिठास जिंदगी भर मिटन नहीं लगी और ए मिठास सदीवी बनी रहेगी।